नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होती है, इसके होने के पीछे क्या कारण है तथा क्या इसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं तथा किस प्रकार इसको दूर किया जा सकता है, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होती है। दोस्तों अगर आपके गर्दन में दर्द रहने की समस्या है या फिर जकड़न रहती है या फिर सुन्नपन रहती है या फिर उसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के पीछे क्या कॉजेज हैं, क्या कारण हैं। तो दोस्तों जो पहला कारण है आपका वर्क, दोस्तों अगर आपका वर्क इस प्रकार का है, गर्दन झुकाने का है, जैसे जो लोग टेलर होते हैं, सिलाई या कढ़ाई का काम करते हैं, उन लोगों में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या अधिकतर देखने को मिलती है। या फिर सोते समय अगर आप लोग पिल्लो का इस्तेमाल करते हैं, जो पिल्लो होता है तकिया होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, या कुछ लोग दो दो तकियों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसकी वजह से जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है वो अधिकतर देखने को मिलती है। दोस्तों बात करते हैं इसके अगले कॉजेज के बारे में। तो दोस्तों जो इसका अगला कॉज है ट्रॉमा। दोस्तों अगर किसी को चोट लग जाए या फिर किसी का ऑपरेशन हुआ हो तो उसके बाद भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या देखने को मिल सकती है। दोस्तों बात करते हैं इसके अगले कॉजेज़ के बारे में। तो दोस्तों जो इसका अगला कॉज है प्रोलैप्स ऑफ सर्वाइकल डिस्क। दोस्तों जो हमारी गर्दन होती है, जो हमारा सर्वाइकल रीजन होता है, वह छोटी छोटी 7 हड्डियों से मिलकर बना होता है जिसके बीच में गद्दी पाई जाती है या फिर डिस्क पाई जाती है जिसको सर्वाइकल डिस्क कहा जाता है। दोस्तों ये हल्की सी बाहर निकल आई है चोट के वजह से या फिर आपके पोस्चर के वजह से, आप अगर गर्दन झुकाने का काम कर रहे हैं या फिर बहुत मोटा पिल्लो लगा रहे हैं तो उसकी वजह से ये कई बार हल्की सी बाहर निकल आती है, फेस में प्रोलैप्स हो जाता है जिसको जिसके वजह से जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है वो देखी जा सकती है। दोस्तों बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, इस बीमारी में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों जो पहला इसमें सिम्टम्स देखने को मिलता है सर्वाइकल पेन। दोस्तों जो आपकी गर्दन होती है वहाँ पर आपको दर्द की समस्या देखने को मिल सकती है। दोस्तों बात करते हैं इसके अगले सिम्टम्स के बारे में। तो दोस्तों स्टिफनेस, दोस्तों इसकी वजह से कई बार स्टिफनेस या जकड़न की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। बात करें इसके अगले सिम्टम्स के बारे में तो स्वेलिंग, दोस्तों स्वेलिंग भी जो सर्वाइकल रीजन में आपको इसके देखने को मिल सकती है। दोस्तों बात करते हैं अगले सिम्टम्स के बारे में। तो दोस्तों नंबनेस, सुन्नपन भी आपको महसूस हो सकती है या फिर वर्टिगो। दोस्तों इस बीमारी में अधिकतर चक्कर आने की समस्या भी देखी जा सकती है। बात करते हैं इसके अगले सिम्टम्स के बारे में। तो दोस्तों जो इसका अगला सिम्टम्स है हेडेक। दोस्तों इसके वजह से कई बार सर दर्द की समस्या या फिर माइग्रेन की समस्या भी देखी जाती है। दोस्तों जो इसमें दर्द होता है या फिर नंबनेस होती है वो कंधे से ही, वो गर्दन से शुरू होकर कंधे तक आ जाती है और जो धीरे धीरे करके आपके हाथों में भी जा सकती है। दोस्तों बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन आती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। तो दोस्तों जो पहली मेडिसिन है स्पॉन्डिन, दोस्तों भार्गव कंपनी की सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसकी वजह से जो गर्दन दर्द या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। दोस्तों बात करें अगर इसके यूजेस के बारे में, तो दोस्तों जो इसकी डोज है वो 20-20 बूंदें सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आपको इसका आधे कप पानी में डालकर इस्तेमाल करना है। दोस्तों बात करते हैं अगली मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों जो अगली मेडिसिन है रेस्टॉक्स 200। दोस्तों सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बहुत अच्छी मेडिसिन है, साथ ही अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से नंबनेस की शिकायत है, वर्टिगो की शिकायत है, उस कंडीशन में जो रेस्टॉक्स मेडिसिन है बहुत अच्छा काम करती है। बात करें अगर इसकी डोज के बारे में, तो दोस्तों 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगली मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों जो अगली मेडिसिन है सीवीसी फोगा 200। दोस्तों सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की ये भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, साथ ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह अगर स्टिफनेस है या फिर नंबनेस है तो उस कंडीशन में जो सीवीसी फोगा मेडिसिन है वो काफ़ी अच्छा काम करती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। बात करें अगर इसकी डोज के बारे में, तो दोस्तों जो इसकी डोज है वो 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो अगली मेडिसिन है सेमोनेरिया 200। दोस्तों जो सेमोनेरिया मेडिसिन होती है, अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से अगर किसी को चक्कर आने की समस्या है या फिर हेडेक या फिर माइग्रेन की समस्या है तो उसको दूर करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात करें अगर इसके डोज के बारे में, तो 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप में से किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, आपके परिवार में, आपके या फिर आपके दोस्तों में,
तो आप इस मेडिसिन का सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।